हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस स्टडी पॉइंट। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में दिया बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ली गई फूड सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि 100% यही रहने वाली है। सो डोंट मिस टू सी इट। सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास में दिया हुआ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं स्केल ऑफ पे के बारे में। फूड सर्विस इंस्पेक्टर में पे बैंड 2 दिया जाएगा, यानी कि ₹5,400 to ₹25,200 विद अ ग्रेड पे 2,600 विथ डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस एडमिसिबल एज पर रूल्स। यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका नेट सैलरी होगा 19,500 के आसपास। दोस्तों, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। इस बार वैकेंसी है 957 टोटल वैकेंसी। जनरल के लिए वैकेंसी है 454, शेड्यूल कास्ट के लिए 208, शेड्यूल ट्राइब के लिए 58, ओबीसी ए के लिए 98, ओबीसी बी के लिए 69, एक सर्विसमैन के लिए 50 और उसमें से अनरिजर्व 40 और शेड्यूल कास्ट 10 एंड मेजोरिया स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि MSP कोटा के लिए कैंडिडेट के लिए 20 ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो माध्यमिक पास करना होगा आपको WBSC बोर्ड की तरफ और इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा। एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली ओनली फॉर नॉट रिकॉर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली। साउंड हेल्थ एंड एज नॉट बिलो 18 ईयर्स बट नॉट मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्री इम्पॉर्टेंट नोटिस देख लीजिए। पब्लिक सर्विस कमीशन शैल हैव डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स एंड रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में कट ऑफ मार्क्स पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तय की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा रिटन टेस्ट और पर्सनल टेस्ट के नंबर मिलाकर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 सक्सेसिव स्टेज्स हैं, यानी कि रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और पर्सनलिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट में रहेगा 100 मार्क्स, 50 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज एंड 50 मार्क्स फॉर एरिथमेटिक एंड 1 hour 30 minutes के लिए, और पर्सनल टेस्ट 20 मार्क्स। पर्सनल टेस्ट में बुलाया जाएगा अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड मेरिट वाइज ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन टेस्ट। दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। जनरल के लिए कट ऑफ 73 के आसपास रहेगी, ओबीसी बी के लिए 71 के आसपास रहेगी, ओबीसी ए जो भी कैंडिडेट है 69 के आसपास रहेगी, एससी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 65 के आसपास रहेगी, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 62 के आसपास रहेगी, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 55 और MSP यानी कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 48 के आसपास रहेगी। दोस्तों, अगले वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसमें से क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।